तो मैं बना रही हूँ गोकोमोली सैंडविच। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी गोकोमोली बनती है। बेसिकली एवोकाडो को अच्छे से आप पेस्ट बना के उसके अंदर प्याज, टमाटर, मिर्ची और नींबू और लहसुन हल्का सा और धनिया डाल के उसका एक पेस्ट बनाते हो आप, और उसको आप ब्रेड पे लगा के या उसको आप यू नो कॉर्न क्रैकर्स या कोई भी क्रैकर्स के ऊपर लगा के खा सकते हो। बहुत टेस्टी होता है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी एग्जैक्टली कि मैंने क्या क्या लिया है और आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाना है इसको। इसके साथ मैं एग्स बॉयल करने रख रही हूँ और बॉयल्ड एग्स को उसके ऊपर काट के ब्रेड के ऊपर, एक बहुत ही अच्छा टेस्टी सेटिस्फाइंग मील होता है वो। मैं शुरू कर रही हूँ 11 बजे, अभी इस टाइम पे 11 बज रहे हैं, मुझे पर बनाते बनाते और लेट हो जाएगा, बट कल मैंने लास्ट मील भी खाया अपना 7:30-8 बजे, सो आई थिंक पूरा इंटरमिटेंट शुरू हो ही गई है टेक्निकली जब तक ये बन के तैयार होगा। आई विल बी स्टार्टिंग विद 16:8, क्योंकि मैंने आई रियलाइज्ड कि सबसे ज़्यादा मुझे उसी से फ़र्क पड़ा था, और जो मैंने वेट पुट ऑन किया है वो ओवर द मंथ्स किया है, क्योंकि कुछ भी मैं फॉलो नहीं कर रही थी और नॉर्मल सब कुछ खा रही थी। तो अब टाइम आ गया है, क्योंकि खुद को अच्छा नहीं लगता है, मतलब आई डोंट नो, आई डोंट फील पॉजिटिव अगर मैं वेट पुट ऑन कर रही हूँ या आई एम नॉट इन माई बेस्ट फॉर्म। सो दैट्स वाई आई थॉट आई विल बिगिन अगेन। एवोकाडो को मैंने ऐसे कट कर लिया है, इसको अब मैं इसका बीज निकाल दूंगी। ये है प्याज, ये है टमाटर, ये है लहसुन, नींबू और मिर्च, और इसके अलावा मैं ब्लैक पेपर, नमक वगैरह डालूंगी। तो शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। हो सकता है टमाटर मैं थोड़ा ज़्यादा लूँ क्योंकि प्याज ये ज़्यादा है। लेट्स सी, एक बार इसकी पेस्ट बना के देखते हुए कितना बन रहा है क्वांटिटी। बहुत इजीली पील ऑफ हो रहा है क्योंकि ये बहुत राइप है, तो अच्छी बात है, परफेक्ट स्टेज पे है, मैं गोकामोली बना सकती हूँ। आप देख सकते हैं मिर्ची, लहसुन, टमाटर और प्याज, और ये है एवोकाडो। इसको मैं अच्छे से पेस्ट कर दूंगी पहले, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालूंगी, और ऊपर से हल्का सा नींबू। इट्स वेरी हेल्दी। तो जब तक मैं अपना गोकामोली बना रही हूँ, मैंने अंडे उबलने के लिए रख दिए, इसको मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ। ये मैंने अच्छे से उसको हाथ से ही मैंने उसको मसल लिया था, और अब मैंने इसमें ये गार्लिक, चिली, प्याज, टमाटर, गार्लिक मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, कुछ मतलब अर्जुना को ज़्यादा गार्लिक की टेस्ट पसंद नहीं है। मैंने वो जो प्याज था वो पूरा नहीं काटा था, थोड़ा सा ही काटा, इसलिए टमाटर मुझे और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके बाद ये रहा नींबू, थोड़ा सा, इसको भी मैंने पूरा नहीं निचोड़ा है, बहुत खट्टा हो जाएगा। एवोकाडो का ऐसे कुछ टेस्ट नहीं होता है, मतलब बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है उसका, पर उसमें जब ये सारी चीज़ें मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बन जाता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है ये। आप रेस्टोरेंट्स में भी जाएंगे, कैफेज में, तो एवोकाडो सैंडविच और ये सब आपको मिल जाएगा ईजिली। हेल्दी ब्रेकफास्ट में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है खाने के लिए। अब इसमें मैं नमक और काली मिर्च डालूंगी। तो मेरा गोकामोली मिक्सचर तैयार है, इसमें सब कुछ डल गया है। अब इसको आप ये थिन्स आते हैं यहाँ पे, या राइस क्रैकर्स आते हैं, ये कॉर्न क्रैकर्स है, ऐसे ही राइस क्रैकर्स भी आते हैं, उसके ऊपर लगा के खा सकते हो, या फिर आप इसको ब्रेड के ऊपर डाल के खा सकते हो। खाली वेजिटेरियन लोग खाली इसको ब्रेड के ऊपर लगा के खाए, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अगर आप एग्स खाते हैं तो आप एग बॉयल करके फिर उनको पील करके, उनके स्लाइसेस करके ब्रेड के ऊपर ये गोकामोले लगाए और
तीन चार वेजेस एग्स के आप डालें और उसको बंद करके सैंडविच बना के सेक सकते हैं, मतलब पहले ब्रेड को सेक लिया या फिर आप ठंडा भी खा सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो मैं अपने लिए एग्स उबाल रही हूँ और अब हम आपको फाइनल सैंडविच की लुक दिखाएंगे। का लास्ट स्टेप मैं भूल गई, ये धनिया मैंने चॉप कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी, इससे एक अलग फ्रेशनेस और आ जाती है। एवोकाडोज हमको डेली बॉम्बे में भी मिलते थे बट तब मैंने कभी खाए नहीं थे, यहाँ आके मैंने खाना शुरू किया है और अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। एवोकाडोज में होता है पोटेशियम, फोलेट, फाइबर, विच इज़ रियली गुड फॉर योर बॉडी, और इसके अलावा ये आपके हार्ट रिस्क और बीपी को भी लोअर करने में मदद करता है। तो ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है एज अ ब्रेकफास्ट, अगर आप कभी ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। यहाँ पे मुझे मिले अराउंड आई थिंक 49 या 40 समथिंग पेंस का मुझे एक एवोकाडो मिला है लार्ज, आई थिंक दिल्ली मुंबई में भी ऑलमोस्ट इतने का ही आता था एक, मुझे पता नहीं, हो सकता है थोड़ा और महंगा हो बट यहाँ पे इतने का ही है। तो एक बार मैं लाती हूँ तो मेरा ब्रेकफास्ट दो जनों का हो जाता है इसमें। ये बॉयल हो चुके हैं एग्स, अब इनको मैं स्लाइस कर लेती हूँ, ये मेरा जूस तैयार है। ये दो ब्रेड टोस्ट हो रहे हैं, वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, खाली ये लगा के आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आप एग्स खाते हो, पसंद करते हो, तो इसके ऊपर अभी मैं एग स्लाइसेस लगाऊंगी। टडा, ब्रेकफास्ट रेडी। इस पे हल्का सा नमक या काली मिर्च आप डाल सकते हो। आज हम अज्जू को देंगे ब्रेकफास्ट इन बेड। ब्रेकफास्ट आया आपके लिए सर, दरवाजा खोलिए। प्रैंक तो नहीं करेगी कोई? नहीं बेबी, ये गलत बात है भाई, इतने प्यार से बनाओ और प्रैंक तो नहीं करेगी, विश्वास नहीं होता तुम्हें ऐसे कब कुछ होता तुम्हारे साथ तो। रोज तो मैं बाहर से आती कोई खिलाने नहीं, वैसे मतलब माई रखी हुई है यहाँ पे तुमने? मैं उधर अंजू का खुद खाते हो तुम रोज? तुम खाते हो खुद रोज? एवोकाडो ऑन टोस्ट, यस, वाओ, नाइस। कहाँ डिजिटल मार्केटिंग करी तुम? यही बेचते हैं ये, मतलब ऑनलाइन पागल हो जाएंगे लोग खा के, इतना ज्यादा स्वाद है कि पहले बाइट में ही ऐसा हो गया कि ओ, फ्लेवरफुल है ना बहुत। भाई मैं बताया था कि इंडिया में भी एवोकाडोस मिलते हैं बट हमने खाए नहीं कभी, मतलब यहाँ आके ही, क्योंकि मुझे लग रहा था एवोकाडो एकदम टेस्टलेस होता है। एक्चुअली इसका टेस्ट बहुत ही मिनिमल होता है, तो इसके अंदर जब ये सारी चीज़ें डली ना, वही मैं बताया थी, इसका टेस्ट जो है वो बहुत नॉर्मल सा होता है बट उसके अंदर जो जो आप चीज़ें डालोगे उससे घुल मिल के बहुत टेस्टी बन जाता है और इतना हेल्दी है ये बॉडी के लिए। वाह, हमारा डेट ब्रेकफास्ट शुरू हो रहा है, एक्सचेंज। ओह थैंक यू अच्छू, मैं तो खा लेता हूँ जला हुआ।